हेलो एवरीवन, कई बार क्या हो जाता है कि जो आर्मर होता है वो हमारा ज़्यादा कट हो जाता है, ज़्यादा गहराई में कट हो जाता है। काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि मैम इसके बारे में भी बताइए कुछ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे आर्मर, और ये मैंने ज़्यादा गहराई का कट किया हुआ है। ये एग्जाम्पल है, डेमो पीस है, ये मैंने डेमो पीस लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, पहले तो एक बात बता दूँ, ये गलती किसी से भी हो सकती है, कभी कभी मुझसे भी हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि फ्रंट का तो ये ज़्यादा कटता ही है, पर बैक का हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। तो कई बार क्या होता है, फ्रंट का हम काटते हैं तो बैक का भी गलती से कट जाता है, स्पेशली बिगनर से भी हो जाता है ये। तो इसमें क्या तरीका है कि आप ये ना हो कोई कुर्ता बन गया है और वो रखा रहे, तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप किसी तरीके से भी चलो बना देते हो, स्लीव जोड़ देते हो, पर वो पहनने में आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब खिंचा खिंचा हुआ सा लगता है स्लीव, और ये कुर्ता फिर आपको खिंचा हुआ सा लगता है। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कट गया है हम इसमें कपड़ा जॉइंट करेंगे। तो मैं आपको अपनी एक कुर्ती दिखाती हूँ जिसमें मेरे से यही प्रॉब्लम हो गई थी कुछ साल पहले। तो ये देखिए, ये कुर्ती है वो, और ये फ्रंट है। इसमें क्या गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने जितना मेरा फ्रंट था उतना मैंने इसका बैक भी काट दिया था। तो ये देखिए, बैक में आप इस तरीके से अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये मैंने जॉइंट किया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ये वाली, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे जॉइंट किया हुआ है। तो जॉइंट कर देते हैं तो हमें पहनने में आ जाता है कपड़ा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से डबल से ही रखना है ये कपड़ा, और एक और कपड़ा लूँगी मैं बिल्कुल इसी का, मैचिंग का। तो ये ले लिया, और ये भी मैंने डबल से लिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से रखूँगी और हम इस पर अब निशान लगा लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने निशान लगा लिया ना, इसको मैं हटा लेती हूँ अभी, और यहाँ से मार्जिन भी ले लेते हैं जो कि उसमें जॉइंट होगा। इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अभी इसको मैं फ्री हैंड कट कर लेती हूँ। तो ये हमारे दो पीस हो गए। तो निशान जो लगाया मैंने उल्टी साइड से लगाया है, इस तरीके से क्रॉस का निशान लगा ले, और दोनों अंदर सीधे हैं। तो अब इस तरीके से मैं ये उठाऊंगी, ये हमारा उल्टा साइड है, तो सीधे साइड से हमें ये हमारा सीधा हो गया ना। तो इस तरीके से अब आपको देखना है कौन सा पीस किस तरफ जाएगा। तो ये वाला पीस इस तरीके से हम लगाएंगे, इस तरीके से सिलेगा ये बिल्कुल तसल्ली से, इस तरीके से। और ये वाला पीस ये यहाँ पे इस तरीके से, पर जब सिल जाएगा तो ये हम इस तरीके से कर लेंगे दोनों पीस। तो मैं आपको सिल के बता देती हूँ। तो इस तरीके से जोड़ना है, दूसरा पीस भी इसी तरीके से जोड़ लें आप। तो इसको अच्छे से प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने दोनों साइडों से इसको कपड़े को जोड़ दिया है। तो ये फ्री हैंड ही काटा था, अब आपको जितना चाहिए ना आप इसको डबल करिए दोबारा से इस तरीके से, और जितना भी चाहिए आप निशान लगाइए इस तरीके से, और इसकी कटिंग कर लीजिए। सिर्फ इतना सा करना है आपको। तो ये देखिए, इस तरीके से कटिंग हो जाएगा, और ये तो दिखाई देगा। वैसे ना पहनने से बेटर है कि उसको सही करके पहन लिया जाए। और अगर आपके पास इस तरीके का कुछ गोटा है तो आप इसके ऊपर ये लगा लेंगे तो एक डिजाइन जैसा बन जाएगा, जैसे कि ये लगा लिया यहाँ पे, तो एक डिज़ाइन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था वीडियो में, काफ़ी कमेंट आते हैं तो मैंने सोचा चलिए किसी एक को जवाब देने से बेटर है कि वीडियो बना ली जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।